इसे वो इस काबिल नहीं है कि तुम उनके लिए आंसू बहाओ। Your tears are just water for him. He's not worth your tears. छोड़ दो मैं। देखो आइंदा मुझे जब भी गुस्सा आएगा ना, नौबत नहीं आएगी। I'll be more careful. मुझे ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए था। I'm so sorry. I'm sorry that she suffered because of me. बाबा ने मुझे मैसेज करके बताया था, इसलिए मैं जल्दी आ गया। आए ना बैठे, प्लीज हैव अ सीट। आए आज मैं तुमसे मिलने आई, नताशा से नहीं। और ये बात हमदानी साहब जानते हैं, इसलिए जो भी बात होगी हम दोनों के दरमियान में होगी। क्या हो गया आंटी आप? आई एम वेरी अपसेट, और मेरा अपसेट होना बनता है। देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी, लेकिन तुमने ये क्या किया बेटा? समझी रही, नताशा ने मेरा लाया हुआ जोड़ा वापस कर दिया। इस बात को लेकर रजा भी बहुत अपसेट है, लेकिन ये बात तो तुमने ही उसे बताई होगी ना? असल में आंटी का सूर मेरा ही है। वो अपना वार्डरोब अलाइन कर रही थी कि नताशा ने देख लिया। असल में ना वो एक्सक्लूसिविटी पे यकीन करती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप चेंज करवा दें जोड़ा। सच पूछो तो बड़ी बात है, मेरी बहू ने मेरी पसंद को रिजेक्ट किया है। छोटे बड़ों की बात नहीं मानते तो वो ही पस्त होते हैं। अच्छा आप इस बात को जाने दें, मैं नहीं बात है। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा घर मुझे कैसे चलाना। नताशा जब इतनी सी थी ना, मैं तब से जानती हूँ उसे। रसा नताशा से बहुत मोहब्बत करता है और नताशा भी उसे बहुत चाहती है। मेरे लिए ये मामूली बात है, छोटे बड़े की तमीज तो बड़े ही सिखाएंगे ना, और ये तुम मुझ पर छोड़ दो। जी आंटी आई अंडरस्टैंड, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। आप बड़ी हैं, लेकिन मैं भी इस घर की बहू हूँ। आप इस बात को रफा दफा करें ना, हम कोई मुनासिब सा दिन देके तारीख तय करते हैं। अब प्लीज आंटी देखें, मैं आपको चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगी। मैंने केक बेक किया, आपने खा के जाना है। प्लीज सबके लिए टाइम कहाँ से निकाल लेती हो तुम? जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए वक्त निकल आता है, नॉट अ बिग डील। मैं चाय लगवाती हूँ, आप बैठे। जब तुम्हें पढ़ाना नहीं होता तो रोज क्यों आ जाते हो यूनिवर्सिटी? सवाल अच्छा है, मैं इसका जवाब तुम खुद ही जानती हो। मैं कुछ नहीं जानती। ये जो तुम रोज यहाँ वहाँ से मुझे ढूंढ लेते हो ना, और मैं भी तुम्हारे पास आके बैठ जाती हूँ। यहाँ पे सब मेरे बाबा को जानते हैं। किसी दिन उनसे कोई कुछ कह ही ना दे, वो जमीर अंकल पहले ही पूछ रहे थे उनसे कि तुम क्या पढ़ाते हो मुझे, तो कह देती तुम उन्हें। हाँ तो यही कहा था, ऐसे भी मैं तुम्हारे घर आके तुम्हारे घर वालों से बात करूंगा। फिर 2 साल बाद शादी होगी हमारी, जब तुम्हारा अमेरिका जाने का होगा। मुझे ना इन सब चीज़ों से बहुत डर लगने लग गया है। मेरी बहन मेरे सामने पिघलती जा रही है, मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो एक ईडियट है। पता है मुझे इतनी तकलीफ हुई जब उसने मुझे कहा कि मुझे शेरी भाई से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? वो उसको इतना टफ टाइम दे रहे हैं, कंटिन्यूसली निगेट कर रहे हैं उसे, और वो इन सब चीज़ों से बेखबर है। उसको वो सब क्यों नहीं दिख रहा जो मुझे नज़र आ रहा है? मोहब्बत अंधी होती है,
खुदाए जज्बाए दिल की मगर तासीर है उल्टी कि जितना खींचता हूँ और खींचता जाता है मुझसे। अब मोहब्बत से तुम उसको खुद ही निपटने दो, फिलहाल तुम इस सब की टेंशन मत लो। कैसे टेंशन ना लूँ, ये कोई सोनी माहिवाल का ज़माना थोड़ी है कि बेचारी सोनी को कोई बताने वाला ही नहीं था कि इडियट मत जाओ माहिवाल के पीछे, वो बहुत से आना है, कोई चांस नहीं लेगा वो, मत जाओ कच्चे खड़े में। कोई भी मर्द इस काबिल नहीं होता कि उसके लिए जान ही कुर्बान कर दी जाए। खुद को मिटाकर किसी को नहीं बनाया जा सकता। ये तुम मुझे उल्टी पुल्टी बातें ना सिखाया करो। गुस्सा तुम शेरी भाई पे होती हो और लड़ती मुझसे हो। ज्यादा चेहरे है शेरी भाई के, तभी मेरी बहन को कुछ नजर क्यों नहीं आता? अरे ऐसे भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बहन की मोहब्बत उसको बदल दे और आहिस्ता आहिस्ता उसके सारे मांस जला दे। मोहब्बत को ना इतना अंडर एस्टिमेट नहीं किया करो। अब मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता ही हूँ ना, वरना कोई पागल ही होगा जो 30 मील दूर से तुम्हें देखने आएगा। ये ले बाबा, फ्राइज ले। मैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अरे यही तो चाहती है ये? ऐसा कुछ नहीं होगा, ये स्वीट पोटैटो फ्राइज है, इससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता। हाँ तुम्हारे अब्बा परेशान होते होंगे कि हम तुम्हें यहाँ पर ले आए, उनको ये सब कुछ खाने को नहीं मिलता होगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वह हमें इतने काम नहीं करती थी। अब तुम कुछ नहीं करो, सारे काम ये करेगा। मैं क्यों करूंगा, वैसे भी इसे अच्छा बनने का शौक है ना, और ये आई है ससुराल, मैं नहीं आया। जाओ लीजिए जूस लेके आओ मेरे लिए। बशीर से कहो, और बेटा तुम हमारे गेंद देखो, तुम्हारा मियां बहुत बुरा खेलता है। अभी दिखाता हूँ आपको। अब यारवी भाभी से क्या बात है? कुछ नहीं बाबा, बस वो उनकी बेटी को मुझसे कोई बुक लेनी थी, बस उसी का पूछ रही थी। कौन आया था? वो रजा की अम्मी। क्यों? नहीं वो अलीजे का पूछ रही थी, कह रही थी कि अलीजे क्या कर रही है। मैंने कहा कि वो डिजर्ट बना रही है, बस फोन रखा और आ गए। पापा प्लीज उन्हें बिला जरूरत के बुलाने की जरूरत नहीं है। भाई वो अलीजे को पसंद करती है, क्योंकि अलीजे ही तो इस घर की बहू है। बाबा आप मेरी बीवी से बहुत काम करवा दे, बस अब तुम कोई काम नहीं करोगी। ओके वेट लेट मी टेक अ पिक्चर। पता तो चले शहरी अपनी बीवी का कितना ख्याल रखता है, वरना लोग हमें बदनाम करते रहते हैं कि पता नहीं अलीजे किस घर में भी आई गई, स्पेशली रजा के घर वाले और रजा खुद। ये लैंप यहां से किसने उठाया है? अच्छा तुम्हें मां नहीं पसंद है, फेंक दो। चेकमेट। अरे ये क्या, देखा क्या कहा था, बहुत बुरा खेलता है, बहुत बुरा खेलता है बाबा, ठीक कह रहे हैं। लूजर, बिग लूजर। आए फिर आए, चलो वो बहुत मजे का बने, आपसे अच्छा ना खाना कोई बना ही नहीं सकता। तुम भी सीख लो, अलीजा को देखो सारे काम करती है, अंदर के भी और बाहर के भी। रोज यूनिवर्सिटी से इतनी देर हो जाती है, मुझमें तो बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती। मैं तो आज 2 क्लासेस थी, 12 बजे भी अगर फारिग होती तो 1 बजे तक घर पहुंचाना चाहिए था। मैं क्लास के बाद ना लाइब्रेरी में होती हूँ। फोन रख दो। खाने के बाद मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी जी बाबा, आपने मुझे बुलाया था। बैठ जा। देखो बेटा, ये जो एतबार के रिश्ते होते हैं ना, ये बिल्कुल एक नाजुक डोर की तरह होते हैं। एक मरतबा गिरा पड़ जाए ना, छू जाना बहुत मुश्किल है। इससे बेहतर यही रहता है कि
गिरा पड़ने ना दीजिए। लेकिन मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही। देखो तुम दोनों मेरा मान हो, गरूर हो, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी बाहर के शख्स की वजह से इस मान पे उंगली उठे। लेकिन आप ऐसे क्यों कह रहे हो? I swear बाबा मैं कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। तो आपने कर दी है वो बात जो आपको मुझसे करनी चाहिए थी। वो दूसरे देख रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। देखो हमारा ताल्लुक ऐसा तो नहीं है कि हम एक दूसरे से खोल के कोई भी बात ना कर सकें। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मुझे अहमर का लोग क्यों बता रहे हैं? तुम क्यों नहीं बता रहे? ओह मैं आप समझी बाबा, अहमर तो मेरा बचपन का दोस्त है और वो मेरा टीचर भी, आप तो जानते हैं ना उसे। सिर्फ दोस्त है? जो दिन के सारे लम्हे तुम्हारे साथ गुजारता है वो सिर्फ दोस्त है? आपको जमीर अंकल ने बताया ना, और आप मेरी जगह किसी और की बात कहे की। मेरी बात सुन लो, हमें अगर अपने पाओं को बचाना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरी दुनिया पे कालीन बिछा दें। हमें अपने पाओ खुद महफूज रखने हैं। लोगों की जबान को, नजरों को तुम रोक ही नहीं सकती, नामुमकिन है। हाँ उन्हें मौका ना दे ये मुमकिन है। फैसला तुम्हारे हाथ में है, वरना मुझे इसे अपने ढंग से सॉर्ट आउट करना होगा। I might even have to talk to the chairman. लेकिन बाबा आप मुझसे इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? देखो listen, I'm on your side, I'm not against you. But there are ailments in the society, I have to deal with those. अगर वो बच्चा सीरियस है तो सही तरीके से बात करें हमसे, फिर शेरी से, अलीजे से मशवरा होगा। अभी के लिए बेहतर है कि तुम पढ़ाई पे तवज्जो दो और अहमर से दूर रहो। शेरी भाई उनसे क्यों बात करेंगे? आप लोग हैं ना। इज अ पार्ट ऑफ द फैमिली बेटा है, तो ओपिनियन मैटर करता है। हमसे मैं तो अल्लाह का इतना शुक्र करती हूँ कि बाबा इतने प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता। और ये दुनिया ऐसी है बाबा, ठीक कहते हैं हमें मुहतात रहना होगा। देखो हम अहमर को जानते हैं लेकिन दुनिया नहीं, ये दुनिया बहुत जजमेंटल है। फिर बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किससे बात हो रही? देखो नॉट फेयर, ये वक्त सिर्फ मेरा है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी की पूरी घड़ी सिर्फ मेरी। वो तो ठीक है लेकिन तुम कब इस घड़ी की सुइयां तोड़ दो पता नहीं लगता, भरोसा नहीं है मुझे। डरती हो मुझसे? डराया इतना कि डर दिल में बैठ गया। तुमसे पहले इस लफ्ज का मतलब नहीं पता था मुझे। इसको मोहब्बत करने वाले डर नहीं, धड़का सा कहते हैं। और बाय द वे ये धड़का सा मुझे भी लग रहा था तुम्हारे हवाले से कि कहीं तुम मेरी जिंदगी से चली ना जाओ। किससे बात हो रही थी? नहीं वो ऐसी कोई बात नहीं है। छुपा रही हो मुझसे? हाँ नहीं वो बस घर की कोई बात है। अच्छा तो यानी मैं बाहर वाला हूँ? नहीं बता मैं क्या बोलूँ। घर में कोई मसला है? आंटी को कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो रमजा लाइक्स अ बॉय, अहमर नाम है उसका, वो स्कॉलरशिप पे अमेरिका जाना चाह रहे। अमेरिका? यार ये अमेरिका वाले जो लोग हैं ना, आई डोंट ट्रस्ट, यू नो अमेरिका इज नॉट इजी। टू बी ऑनेस्ट नताशा के कई रिश्ते आए थे अमेरिका से लेकिन मैंने तो सारे रिजेक्ट कर दिए। नाम क्या है उसका? अहमर अस्तम, इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ता है और काफ़ी अच्छा लाइक स्टूडेंट है, स्कॉलरशिप पे जा रहा है, अभी भी वहीं सेटल होना चाहता है, वहीं जॉब ढूंढना चाहता है। मुझे लग रहा है अंकल को कोई मसला होगा, और अगर अंकल को मसला है ना फिर ये बिल्कुल ठीक होगा। यू नो मेन, वी बेटर देन योर क्रीड। ओ प्लीज ऐसा कुछ नहीं है ना, और रमजो के सामने ऐसा कुछ मत कहना, वो मरने मारने पे आ जाएगी। देखो ये गलत है, तुम लोगों को पूरी तहकीक करनी चाहिए। रमजा इज जस्ट अ किड, आजकल लोग होते कुछ हैं और नजर कुछ आते। अब मेरी एग्जांपल ले लो, लगता तो मैं इंसान हूँ लेकिन फिर क्या निकला?
इतना बुरा कि डर लगने लगा है तुम्हें। इतने जोर से क्यों पकड़ते हो, दर्द होती है मुझे। मछली हो ना तुम, डर लगा रहता है कहीं हाथ से फिसल ना जाओ। तुम्हें पता है मेरे पास एक तली थी, मेरी कुल तुम्हारी तरह हर वक्त मैं चलती रहती थी। बाबा। यस थैंक यू। वही अलीजे के इस घर में आने से पहले हम बड़ी बोरियत वाली जिंदगी बिता, इसके आने से कम से कम ये घर घर लग रहा है। तो पहले जंगल था बाबा, रिपोर्ट्स आने दे आपकी, फिर आपसे पूछूंगी। कम ऑन नताशा, यू कांट बी सो मीन टू अस। मैं तुम्हें तो नहीं कह रही हूँ यार, लेकिन मैं और अलीजे अलग तो नहीं है भाई। वो रजा की वालदा का फोन आया था, वो भी रस्म रखना चाह रही है, और कह रही है कि नताशा से पहले कंफर्म कर लो। पूछ तो ले पहले डैड, नताशा ने शादी करनी भी है या नहीं। शेरी, इसकी तो अभी से आंटी से नहीं बन रही। तुम्हें किसने कहा है, अलीजे ने? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। असल में तारीख जितनी जल्दी तय हो जाए अच्छा है, फिर आगे उनके प्लान्स भी हैं। इस सैटरडे रख लें? नहीं, जल्दी भी क्या है भाई। लगता है नताशा को इस घर को छोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारा घर पास ही है, आती जाती रहना। आंटी आपको बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही हैं, इसलिए खुशी खुशी जाओ तो बाबा भी इत्मीनान से रहेंगे। मुझे आज तक ये रिवाज समझ नहीं आया कि बेटियों को ही क्यों घर से जाना होता है। जैसे तुमने इस घर को बनाया ना, उस घर को भी वैसे ही घर बनाना। तो जरा उनसे बात कर ले। हो बाबा की चाय देगी। बाबा चाय। क्या हुआ सिस? कितनी मेहनत से शेरी मैंने ये घर बनाया था, तुम्हारी बीवी तो इसको सदर बनाने पे लगी हुई है, पढ़ लिखने से शेरी क्लास नहीं आती। देखो तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई, वी आर द रूलर्स। ताज उसी के सर पे अच्छा लगता है जो रूल करता है। यू नो व्हाट, आई हेट रसा'स मॉम, सीरियसली, एंड आई हेट एवरी अदर मॉम एक्सेप्ट माय ओन। तुम्हारी जिंदगी में मेरी जगह और मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई ले ही नहीं सकता, और ना ही हम लेने देंगे। तुम्हारे साथ की लड़कियां मास्टर्स कर रही हैं। तो मैं भी कर लूंगी। आप ना बाबा की बात सुन के मुझे लेक्चर ना देने लग जाया करें। और उनकी शादियां भी हो रही हैं। मेरी भी हो जाएगी, मैंने कह दिया है अमर को कि आज बाबा से यूनिवर्सिटी में मिलेगा, और उसकी अम्मी भी आपको कॉल कर लेंगी। बाबा की ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो हर प्रॉब्लम का ना हल बताते हैं। हाँ बेटा, मगर ये कोई हतमी फैसला नहीं है अभी। तुम्हें याद है ना सलमान ने क्या किया था अलीजे के साथ? मामा, अहमद सलमान की तरह नहीं है, बहुत जिम्मेदार है वो। ठीक है, हम मिलते हैं उनसे, घर बार देख के फिर ही कोई फैसला करेंगे। बहुत अच्छा इंसान है वो। हर अच्छे इंसान से शादी नहीं हो सकती। अब ऐसे क्यों कह रही है, ऐसी भी क्या बुराई है उसमें? नहीं बुराई नहीं है बेटा, मगर देखो ना अभी अलीजे ने शेरी से भी बात नहीं की, फिर तुम्हारे बाबा और शेरी मिल के फैसला करेंगे। ये फैसला हम खुद भी कर सकते हैं, हम में भी उतनी अकल है। वो तुम्हारे बड़े भाई जैसा है। अम्मी, अगर इस घर में बेटों की जरूरत होती ना तो अल्लाह ताला आपको बेटियां ना देते। हम में भी उतनी ही अकल है, उतनी ही समझ है, बाबा यही कहते हैं ना हमेशा। तो फिर एकदम से शेरी भाई इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गए, और अलीजे के साथ जो वो कर रही है ना। अच्छा एक मिनट, फोन आ रहा है। हेलो जी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मदीना इस्लाम जी? जी, एक बार आपसे मुलाकात हुई थी जी। जी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैं बस अपने हस्बैंड से ज़रा डिस्कस कर लूँ, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। जी जी, खुदा हाफिज़। अहमद की मदर का फ़ोन था। मैंने कहा था ना आपको,
पीछे हटने वालों में से नहीं है वो। कह रही थी कि एमर के फादर कुवैत में होते हैं, वो जब आएंगे फिर वो लोग हमारे घर आएंगे, तो अच्छा है तब तक इन लोगों को तहकीकात का टाइम भी मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो रमजा? मैं ठीक हूँ। हम एमर के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों, आओ बैठो। यही है ना? हाँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपके पास क्यों है? क्योंकि मेरा ही काम है इसलिए। एक्सक्यूज मी। अरे आई होप एवरीथिंग्स ओके। पता नहीं लड़कियां ऐसे उस पे डिफिकल्ट सी क्यों हो जाती हैं। लड़का अच्छा है? अच्छा नहीं अंकल, आई थिंक ही इज वेरी एवरेज। इस तरह के लड़के तो रोज मेरे ऑफिस में आए होते हैं इंटरव्यूज के लिए। टू बी ऑनेस्ट, फैमिली बैकग्राउंड भी कोई इतना खास नहीं। और रही बात अमेरिका की, तो मुझे तो वो भी झूठ लगता है। मुझे तो लगता है अभी तक वो पैसे इकट्ठे कर रहा होगा टिकट के लिए, लेट अलोन गो टू अमेरिका। सच पूछे तो अंकल, ये लड़का अपनी सक्सेस की स्ट्रगल में रमजा को थका देगा। वैसे एक बात बताओ, तुमने आज अपनी भाभी को जाने क्यों दिया? आपको तो पता है आंटी जी कि हम कभी किसी पर पाबंदी नहीं लगाते। इस तकलीफ को अब कौन संभालेगा? लीजे को सोचना चाहिए था। प्यार के साए में जरा नहीं सोए। वो किस लिए मुझे अहमद की इन्फॉर्मेशन दे रहे थे? किसने राइट दिया उन्हें जज करने का? रमजू को पूरे शहर को जानता है। और मैं अहमद को बचपन से जानती हूँ, जबकि उन्हें मैं सिर्फ कुछ महीनों से जानती हूँ। पता है कि शौहर हैं तुम्हारे। चलो शुक्र है तुम्हें इतना तो अंदाजा है ना कि वो मेरा शौहर है, उसकी कोई अहमियत है? उनकी इम्पोर्टेंस है जस्ट बिकॉज वो तुम्हारे शौहर हैं। हाँ कैसे हैं ये भी हमें पता है। जिस इंसान पे मैं अपनी बहन के लिए भरोसा नहीं कर सकती, अपने लिए कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ उन पे? प्लीज कीप हिम आउट ऑफ दिस। तुम अंधी हो सकती हो अलीजे, मैं अंधी नहीं हूँ। उस वक्त ऐसे बात मत करो। बाबा ने हमें बुलाया है तो हम आए हैं। किसी को भी बुलाने से पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। तो बाबा को कहो कि ये इन्वेस्टिगेशन खुद ही करे ना वो। Listen, you're being difficult now. Yes, I am difficult. बता दो जाके सबको। मुझे जाना होगा, हमारा डिनर है। तुम्हें बाहर बुला रहे हैं, तुम आओगी? क्या हुआ? नहीं कुछ है यार। ये जो रमजा है, she has an issue with me ना, that I don't treat you well। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस overthink कर रहे हो। मामा और बाबा के घर का फैसला तुम्हारे पक्ष में कोई नहीं। अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने तो यही देखा है भाई कि तुम्हारे फैन तो मुझसे कई ज्यादा है। वो कहते हैं? वो रजा की अम्मी को ही देख लो, जब तक तुमसे बात नहीं हुई उन्होंने डिनर की डेट ही सेट नहीं की। वैसे ऐसा क्या है तुम्हें जो मुझ में नहीं? तुम भी एक बहू बनना चाहते हो? उनको तो लगता है तुम बहुत परफेक्ट। What's wrong in that? अरे मसला है ना यार, इट मेक्स नताशा डिफेंसिव। पता नहीं मिसेस कैरी को तुमसे क्या मसला है। जिसमें मैं क्या कर सकती हूँ? And how can I make someone love me less? मैं ये कह ही नहीं रहा कि someone should love you less. No one should.
चल रही हूँ क्या फेशियल के लिए? नहीं अभी तो मैं घर पे ही हूँ। तो मैं जा रही हूँ फेशियल के लिए और इसको भी ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है ना? अभी क्या कर रही हैं आप? आपको पता है ना इसका नतीजा क्या होगा? नताशा भाभी इज सो फुल ऑफ हरसेल्फ। पता है मुझे, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं हैं। ये रवादारियाँ, ये शराफतें और खून में ना होना तो इन्हें सीखना पड़ता है। सारी जिंदगी मैंने टीचिंग की है और टेढ़े लोगों को फिक्स करना मुझे आता है। और अगर देखो चेंज करना है ना तो अपने घर से चेंज शुरू होता है, फिर पूरे इलाके में, शहर में, फिर पूरे मुल्क में। और तुम क्यों घबरा रही हो? ये जंग मेरी है तो मैं ही लड़ूं। कौन सी जंग पर जा रही है मामा? नताशा से झगड़ने का इरादा तो नहीं है? नहीं नहीं, मैं तो कुछ और बात कर रही थी। और तुम्हें ऐसी लगती हूँ क्या मैं? मामा आप है तो मेरी माँ, तो इतना तो मैं आपको जानता ही हूँ। अगर जानते हो तो दो लड़ाका तैयारों को एक ही हैंगर में क्यों खड़ा कर रहे हो? वैसे मैं तो फैशन करवाने जा रही थी और मुझे लगता है तुम भी चलो, कुछ शक्ल निकल आएगी, क्योंकि नताशा ठहरी हुस्न परस्त और टेढ़ी खीर। इनको क्या हुआ है आज? बशीर भाई, आज ही सारे हॉटपॉट साफ होंगे, प्लीज मेक श्योर कीजिएगा एक एक क्लीन है, ठीक है? और कोल्ड कट्स भी आज ही ऑर्डर कर दीजिएगा, बाकी दस्तों का इंतजाम है सो अच्छा सा कर दीजिएगा, ठीक है? सब अरेंजमेंट्स आज ही होंगे। आंटी अंकल को भी इनवाइट कर लिया मैंने। क्यों, क्या जरूरत थी? उस दिन आए तो थे वो यहाँ, और वैसे भी नताशा के इन-लॉज आ रहे हैं। कोई बात नहीं यार, रौनक लग जाएगी, वैसे भी उस दिन नाराज थे ना वो। अच्छा, मैंने फ्लावर्स ऑर्डर कर दिए, कल शाम तक आ जाएंगे अरेंजमेंट्स करने। जस्ट कीप इट सिंपल। हो रहा है मम्मी कॉल है। हेलो जी आंटी। नहीं आंटी, ये ट्रीटमेंट मेरी तरफ से गिफ्ट है, जस्ट रिलैक्स। ओके बाय। सो स्वीट फॉर यू गाइस, नीड एनी हेल्प? नो नो, वी आर गुड। और अभी आंटी का फोन था। तुम्हारी सास के आधे से ज्यादा काम तो मेरी बीवी करती। नहीं नहीं, नो इश्यूज एट ऑल, वो मेरी फ्रेंड का सलून है तो कोई इतना इशू नहीं है। यू आर टू गुड टू बी ट्रू, तुम सच में बहुत अच्छी हो, है ना शेरी? ऑफ कोर्स। नताशा, डिड यू रेकमेंड मी फॉर द टॉक? यस आई डिड। या ओ, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, पर मैं जा नहीं सकूंगी, कल घर में इवेंट है ना, इट्स इंटरनेशनल वुमेंस डे। ये घर की दावतें तो चलती रहेंगी यार, और आई हैव गिवन देम माय वर्ड, आई गेस यू हैव टू गो। शुड गो। आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकती, होस्ट मैं हूँ ना, और आपकी तारीख तय हो रही है। पहले भी सब कुछ होता ही था। सॉरी, तेरी जिम्मेदारियाँ पहले हैं। तुमने तो मुझे कहा वो मैंने कर दिया, इसका क्या, ये तो मान ही नहीं रही। डोंट वरी, कुछ करता हूँ। डार्लिंग। माय डियर अलीज़े, ये हाथ इन कामों के लिए थोड़ी बने, अरे तुम्हारा एक अपना मकाम है, अपनी पर्सनैलिटी है, यू डोंट हैव टू डू ऑल ऑफ दिस। फोन का है तुम्हारा? क्यों? तुम्हारी टेड टॉक कंफर्म कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं प्लीज लिसन, आई नो माय प्रायोरिटीज, वैसे भी तुम्हें नहीं पता है शादी ब्याह के क्या मसले होते हैं, नताशा को मुझे कल के लिए रेफर नहीं करना चाहिए, व्हाट आर यू डूइंग? हेलो नाटी। Hi, it's Shayar here, Lisa's husband. How are you? Good, good, all well. Yeah, actually, I wanted to confirm Lisa's TED talk for tomorrow. Ah, no problem, I can send you an email. Okay, fantastic. She'll be there tomorrow. Done. Hey. I'm set for you. मेरी मर्जी के खिलाफ करते हो सर, तुम जाओ ना, तुम्हें जाना चाहिए, इट्स रियली इंपॉर्टेंट एंड आई वांट यू टू डू दिस। फिक्र ना करो, जब तक मेहमान आएंगे तुम फारिग होके वापस भी आ चुकी होगी, जहां तक घर के कामों की बात है बशीर संभाल लेगा, डोंट वरी, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, यू आर अ सेलिब्रिटी, ये सब काम तुम्हारे करने के है ही नहीं। तैयारी बिल्कुल नहीं की। है तो क्या हुआ, बैठ जाओ ना, आई एम श्योर इफ यू स्टार्ट नाउ यू कैन कम अप विद समथिंग, जस्ट फोकस ऑन इट। और अब तुम किचन में नहीं जाओ, ओके, जस्ट फोकस ऑन द वर्क।
बल्कि मैं बशीर को कहता हूँ तुम्हारे लिए कॉफी मिला। Listen, are you really this nice? कॉफी भेजो। Start writing. माशाल्लाह आपकी बेटी अलीज तो हीरा बच्ची है। दाद देनी पड़ेगी आपकी सरकार। थैंक्स यू। मुझे तैयार किया, वरना मैं कहाँ इन झमेलों में पढ़ने वाली थी। आप तो जानती हैं हमारी बहू नताशा को कितनी बिजी रहती है वो। जी ये तो है। वो शेरी किधर है अलीज़? बुलाओ ना, मेहमान आ गए सारे। वो दरअसल उसकी आज एक टॉक थी, उसने जाना था तो वो चले गई। किधर चली गई? तुमने क्यों जाने दिया? अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। आज ही तुमने उससे जाने दिया, रोक लेते तुम से। एक्चुअली उसकी कमिटमेंट थी। कोई बात नहीं, मैं और नताशा है ना, मैनेज कर लेंगे। बस नताशा तैयार होके आती है तो हम सर्व करते हैं। वैसे शाबाश इन दोनों पर, क्यों शगुफ्ता? अभी नताशा को तैयार भी होना होगा। सारे मेहमान घर में इकट्ठा कर लिए और मेजबान खाए। वैसे ऐसे ही होता है जिस घर में माँ नहीं होती। तुम Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum. Assalam. कैसे हैं? ठीक ठीक हूँ, खुश हो? Hi, how are you? I'm good. How are you? Good, good, good. मुझे पता था कि तुम बहुत प्यारी लगोगी। आपकी खुशी में हमारी खुशी, right? Right. वैसे तुमने मेरी खुशी पूरी करके ना मेरा दिल जीत लिया। वैसे एक बात बताओ, तुमने आज अपनी भाभी को जाने क्यों दिया? आपको तो पता है आंटी जी कि हम कभी किसी पर पाबंदी नहीं लगाते। सो उसका काम था, वो चली गई। इट्स हर लाइफ, उसकी मर्जी, उसकी लाइफ है। लीजे को सोचना चाहिए था। आप फिक्र ना करें आंटी, हम हैं ना। तुम्हारी सास का टेस्ट बहुत अच्छा है वैसे। अगर इनका टेस्ट अच्छा ना होता तो मुझे पसंद करती। Is that right, auntie? You like me? क्यों नहीं बेटा? जीतती रहो, खुश रहो। Sorry guys, sorry थोड़ी देर हो गई। असल में बशीर आज छुट्टी पे है। It's just me and house help. आओ सर्व करो सबको। Please auntie. Thank you. ना बुरा लग रहा है। देखिए आप मेरे जर की हरकतें। शहरी को देखे, उसके माथे पे पल भी नहीं आया। और जिसकी तारीफ तय हो रही है वो काम करे, सिर्फ मैं दागे कटवाते। आप करें ना उसको फोन। क्या था, उसे फोन नहीं मिल रहा? देख ले, और आसमानों पे उड़ाने का नतीजा यही होता है। बेटा तुम क्यों कर रही हो? हम है ना मेहमान थोड़ी है, मैं और रमजान कर लेंगे। नहीं आंटी, मैं इन सब की बहुत आदि हूँ। सारी जिंदगी सारा काम मैंने खुद ही तो किया। आप प्लीज बैठे, प्लीज बैठे। नताशा तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? मेरा ससुराल आया ना, कुछ तो करने दो। ऐसे रजा, ये वही जोड़ा है ना जब मैंने पहना, मैं जो आंटी को मैंने वापस भेजा था। I don't remember. बड़ी बड़ी सिद्धि। हाँ, पर जो बड़ों की खुशी उसी में हमारी खुशी। Thank you so much. वैसे यार बहुत प्यारी रही हो तुम। सारी खूबियाँ हमारी भाभी ने हमें दी। बैठो रजा, चलो।
एक्चुअली जब हम घर बना रहे थे मैंने डैड को कहा था कि स्विमिंग पूल तो इज अ मस्ट। ये नताशा करेगी? शी इज राइट हियर। तुम्हारे कपड़ों पे सालन गिर गया था ना बेटा, तुम क्यों इतना काम कर रही थी? इतने अच्छे कपड़े बनवाए थे आपने, इसके सब स्पॉइल हो गए। नजर लग गई होगी। खैर वैसे भी इसको पसंद नहीं था। नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है, मेरी हील फंस गई थी। आज तुम्हारे बैठने का दिन था, अगर अलीजे नहीं थी तो सोफा काम कर लेती। खैर इट्स योर चॉइस। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम सो सॉरी आई गॉट अ बिट लेट। हाँ लेट तो होना ही था। यू मेड इट फाइनली, हाउ वाज योर डे? गुड गाइस, लेट्स हैव अ पिक्चर। शायद ये मौका दोबारा ना मिले। रेडी स्माइल। वेवर जो लीजे, सारा खाना नताशा के शगुन के झूठे पे गिर गया था। नाउ दिस गाइस सेंट मी माय सेल्फ लाइक आई हैड नो क्लू अबाउट इट। गड़बड़ हो गई यार। Yeah. I'm so sorry. I had no clue. मैं जो कुछ भी था ना, तुमने अपने बाप की आजादी का बहुत नाजायज फायदा उठाया है। मिजिप, जो औरत अपने घर की नहीं होती ना वो कहीं की भी नहीं रहती। मेरी बात याद रखना।